और अच्छी पकड़ यहाँ पर। क्या हुआ कॉमन पॉइंट? हाँ जो भी है रेफरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता है वही हुआ भी। एक बार पुनः बाहर से जो भी टीमें यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं उन सभी टीमों के कप्तानों से निवेदन है कृपया अतिशीघ्र अपनी एंट्री कराएं और बोगदा की टीम को यहाँ पर गोला लगने का खतरा मंडराता हुआ बोगदा के पौधे कैचर आउट कॉमन पॉइंट आम जरा के छोटे खत के 7 नंबर खिलाड़ी के द्वारा अच्छी पकड़ और यहाँ पर इससे भी तालियां बजाओ एक बार जोरदार तालियां बजाओ यार ऐसा नजारा कभी कभार देखने को मिलता है। और पर है यहाँ पर गोला लगता हुआ बहुत ही शानदार पकड़ यहाँ पर अच्छे कैच कौन है शिव कुमार भाई के द्वारा सर्विस शिव कुमार भाई के द्वारा पुनः सर्विस सभी बाहर से आए हुए मेहमान टीमों से निवेदन है कृपया अपनी टीमों की एंट्री अतिशीघ्र कराए और हमारे आसपास के क्षेत्रीय टीमें जितनी भी हैं शारा दे चीतापुरा खोरा चांदकिया कोहदा आसपास की जितनी भी टीमें उन सभी टीमों से निवेदन है कृपया अपनी एंट्री अतिशीघ्र कराए और विनोद भाई गोप्ता के खिलाड़ी ऊंचे कद के और यहाँ पर तो एक समय तो ऐसा लगा कि भैया पूरे को ही लेके चले क्या प्रयास तो अच्छा था विनोद भाई हम बार बार निवेदन कर रहे हैं बाहर से जो भी टीमें यहाँ पर उपस्थित है उन सभी टीमों के कप्तानों से कृपया अतिशीघ्र अपनी एंट्री कराएं और इस प्रतियोगिता में अपनी टीमों को सम्मिलित करें। और एक अंक का इजाफा बोगदा की टीम को संघर्ष क्लब आमजिरा के 7 नंबर खिलाड़ी छोटे कद के लिए कमाल का प्रदर्शन और ये देखो रेडर से दो अंकों का इजाफा कौन है विनोद भाई के द्वारा अब उन्होंने लगता किक लगाना बंद कर दिया है हाथों का इस्तेमाल किक जोरदार डालिए यार भाई बताओ चाटा मारे वो हाथ घुमा दी कमाल का खिलाड़ी है ये विनोद भाई ने तहलका मचा दिया
एक बार हाथ घुमा, मैं किक से भी काम किया, हाथ से भी कमाल किया। पुणे मेरे भाई, दर्शकों का प्रिय खिलाड़ी बन चुका है भैया विनोद भैया। और पुणे अब हम लेकिन दर्शकों को भरपूर मजा पिलाते हुए हमारे मामा जी मामा जी आप इधर आनंद लेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं भी बाहर से जो भी टीमें यहाँ पर उपस्थित है उन सभी टीमों के कप्तानों से एक बार पुनः निवेदन है, कृपया अपनी टीमों की इंटरव्यू जिक्र कराए। दो पॉइंट, अन्यथा टीमों की एंट्री की ना करने की वजह से ये मैच और तुम्हें एक अंक का इजाफा। गच्ची उठा रही है खिलाड़ी को पाया पड़ता है कि जब धंधा उसे बोले और दोनों ही टीमों के बीच बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ संघर्ष क्लब अमजीरो वर्सेस कार्गो क्लब ओक्ता के बीच। अजय देख ना मुटा फेंक देख रहे फेंक देखो इसके पश्चात अगला जो मुकाबला होगा डरा डरा दे रहे मंगले इसके पश्चात इस विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का अगला यानी कि दूसरा मैच जो होगा श्री कृष्ण क्लब पीपल थाना वर्सेस स्टूडेंट क्लब गोपदा, दोनों ही टीम तैयार है। इस मैच के तुरंत पश्चात अगला जो मैच होगा इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला श्री कृष्ण क्लब पीपल थाना वर्सेस स्टूडेंट क्लब गोपदा, दोनों ही टीम तैयार होकर ग्राउंड के सभी पर जाए। और एक बार फिर बाहर से जो भी टीमें यहाँ पर उपस्थित है उन सभी टीमों के कप्तानों से निवेदन है कृपया अतिशीघ्र अपनी एंट्री कराए, अन्यथा टीमों की एंट्री ना करने की स्थिति में आगे का मैच करा पाना इस मैच के तुरंत पश्चात अगला जो मैच होगा स्टूडेंट क्लब गोपता वर्सेस जय श्री कृष्ण क्लब पीपल थाना। क्या हुआ रेडर आउट
विनोद कलमे जी आगे की जानकारी दर्शकों तक आप पहुंचाए। वो पूरा घुस गो बहुत शानदार पकड़ भोपरा के द्वारा, एक पॉइंट का नुकसान अमजीरा को, बहुत बढ़िया, एक पॉइंट का फिर नुकसान अमजीरा को, बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए जय खाईदेव क्लब भोपरा के द्वारा। कितोर खिलाई करे अंतिम समय में अपना जलवा बिखेरते हुए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, पता नहीं क्या हुआ, रेडर आउट, एक पॉइंट का फिर नुकसान अमजीरा को। बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं भोपरा के जयदेव, जय खारीदेव क्लब भोपरा के द्वारा, बहुत शानदार रेड डालते हुए अमजीरा के पाले में, बहुत शानदार एम्पायर के सर दो पॉइंट का फिर नुकसान अमजीरा को। लगभग लोना लगने की स्थिति बन गई है अमजीरा की ओर, 9 नंबर के खिलाड़ी द्वारा रेड डालते हुए भोपरा के पाले में, बढ़िया पॉइंट, दो पॉइंट का नुकसान अमजीरा भोपरा को। भोपरा की ओर से अमजीरा के पाले में रेड डालते हुए बहादुर, 1 मिनट का समय शेष, खिलाड़ी बंधु से निवेदन है 1 मिनट का समय शेष है। बहुत बढ़िया रेड डालते हुए अमजीरा के पाले में भोपरा के खिलाड़ी के द्वारा, गांव से आने जाने कर रहा थी, पॉइंट बटोरने के खुद ही धरा गए, 1 पॉइंट का फिर नुकसान भोपरा को अमजीरा के खिलाड़ी के द्वारा भोपरा के पाले में रेड डालते हुए। नहीं बचे 3 पॉइंट, लास्ट रेड भोपरा की ओर से, लास्ट रेड, समय समाप्त का, प्रथम मैच का समाप्ति, दूसरा जो मैच खेला जाना है श्री कृष्ण